बात उन दिनों की है जब इंसान जंगलों में रहा करता था। खानाबदोश की ज़िंदगी हमेशा खतरों से घिरी रहती थी। जंगली जानवर और ख़राब मौसम, इनका डर हमेशा बना रहता था। खुद को बचाने के लिए इंसान समय समय पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता आया है। चाहे पत्थरों को तराश कर हथियार बनाना हो, आग की खोज हो या चक्के का आविष्कार हो, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इंसानों ने हमेशा ही खुद को बाकियों से शक्तिशाली बनाने की कोशिश की है। हमने भाषा का निर्माण किया, हमने लिखना पढ़ना सीखा और आने वाली जनरेशंस को भी सिखाया, और जल्द ही समझ लिया कि नॉलेज के शेयरिंग के लिए पढ़ना लिखना कितना महत्वपूर्ण है। एडवर्ड लिटॉन ने भी एक बार कहा था, द पेन इज माइटियर देन द शॉर्ड। हमने किताबों के जरिए अपने नॉलेज को अपने यंगर जनरेशन के साथ शेयर किया और यह सिलसिला कई सदियों तक चलता रहा। बट देर इज ए लिमिट टू हाउ फास्ट बुक कैन स्प्रेड नॉलेज। समय बीतता गया और आज हम 21st सेंचुरी में हैं। आज भी इंसानों की बाकियों से शक्तिशाली बने रहने की कोशिश जारी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अब हमने इंटरनेट बना लिया। नॉलेज के शेयरिंग में इंटरनेट बुक्स के कंपेरिजन में काफ़ी फास्ट है, और अब समय आ गया है कि हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। इफ द पेन इज माइटियर देन द शॉर्ड, इज द इंटरनेट माइटियर देन द बॉम्ब। जी हाँ, इंटरनेट ने नॉलेज शेयरिंग को रिवोल्यूशनरी तरीके से अपग्रेड किया है, और आज हम इंटरनेट के एक बेसिक पर यूनिवर्सल आस्पेक्ट को जानेंगे, और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ नॉलेज थ्रू द बिल्डिंग ऑफ वर्चुअल नेटवर्क्स एंड कम्युनिटीज। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है और काफ़ी तेजी से इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है। जैसा कि हमारे वेदों में भी लिखा है, आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः, जिसका अर्थ है, लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। सोशल मीडिया भी सभी दिशाओं की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाता है, जिसके जरिए ऐसे कई विकास के कार्य हुए हैं जिसने लोकतंत्र को और भी समृद्ध बनाया। अन्ना हजारे के नेतृत्व में लड़ा गया आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ महाअभियान था, जिसे सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ा गया, जिसके कारण विशाल जनसमूह इस आंदोलन से जुड़ा। सोशल मीडिया के माध्यम से ही निर्भया को जस्टिस दिलाने के लिए विशाल संख्या में युवा सड़कों पर आ गए, जिससे गवर्नमेंट प्रेशर में आकर नया और ज़्यादा प्रभावशाली लॉ बनाने पर मजबूर हो गई। 2014 के जनरल इलेक्शन के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने जमकर सोशल मीडिया का उपयोग किया, कॉमन मैन को चुनाव के प्रति जागरूक बनाया, इस इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा और साथ ही साथ युवाओं में चुनाव के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। हैशटैग मी टू मूवमेंट तो याद होगा सभी को, सोशल मीडिया पर यह खूब चर्चा में रहा। पीड़ित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट अपने अनुभवों को शेयर किया और दोषियों को दुनिया के सामने लापटका। COVID-19 के आउटब्रेक के दौरान लोगों को रोगों के लक्षणों और इसकी रोकथाम के बारे में टाइमली और रिलायबल इंफॉर्मेशन की जरूरत थी। सोशल मीडिया हेल्थ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के फास्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया, और ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जब सोशल मीडिया ने हमारे फेवर में पॉजिटिव काम किया है। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार सोशल मीडिया के भी दो पक्ष हैं। कुछ लोग गलत तरीकों से इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, हेट स्पीच फैलाकर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। कई बार तो बात इतनी बढ़ जाती है कि सरकार सोशल मीडिया पर बैन लगा देती है। हमने देखा है कि सरकार को जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध तक लगाना पड़ा। पिछले दिनों हमने देखा एक फेसबुक पोस्ट पर लोगों का इतना गुस्सा भड़का कि लोग विरोध के लिए सड़कों पर आ गए, और देखते देखते दंगे जैसी स्थिति बन गई। हमने कई बार देखा है अक्सर फेमस पर्सनालिटी को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भद्दे भद्दे कमेंट करना और ना जाने क्या क्या, इन सब ने सोशल मीडिया के नेगेटिव साइड्स को सामने लाया। इसका एडिक्शन युवाओं और टीन्स पर बुरा असर फैला रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया के ज़्यादा प्रयोग से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पुअर स्लीप क्वालिटी, बॉडी इमेज इशू और साइबर बुलिंग जैसे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं।
बड़ों की तरह बच्चों में भी नोमो यानी नो मोबाइल फोबिया और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी मानसिक परेशानियों के शिकार हो रहे हैं। इतना सब कुछ जानने समझने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं, अगर सोशल मीडिया हमारे नॉलेज को बढ़ा रहा है तो इसे एक पेन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, वरना बॉम्ब ने तो आज तक किसी का घर नहीं बसाया।